हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानते हैं, क्योंकि 8 मार्च है आज, और 8 मार्च को जो एसएससी सीएचएसएल है उसका आप कह सकते हैं पांचवां दिन है। तो पांचवां दिन है और आज के जीके क्वेश्चंस हम यहाँ लेके आए हैं हर रोज की तरह। लेकिन इस वीडियो में हम आपको, अच्छी बात यह है कि सारे जीके क्वेश्चंस आज के जो हमारे पास अवेलेबल है और जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हैं आज के दिन, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको इसी वीडियो में आज बता देंगे। तो आज शिफ्ट वाइज हमने शिफ्ट वन की वीडियो है वो भी डाली है, तो आप स्पेशल एक्सप्लेनेशन के लिए वहां आप शिफ्ट वन पे जो शिफ्ट वन की वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, हम यहां पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो पहले हम अच्छे से इंग्लिश में देख लेंगे और उसके बाद फिर हिंदी में देख लेंगे। आंसर्स हम आपको बताते चलेंगे और कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है मोटर व्हीकल कंपनसेशन। तो इसमें आपसे जो पूछा गया था कि मोटर व्हीकल में जो कंपनसेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन होता है वो पूछा गया था, और ये क्वेश्चन क्या था एक्यूरेटली ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये काफी ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि मोटर व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल एक्ट हो या फिर मोटर व्हीकल से रिलेटेड कुछ जो चेंजेस आते हैं वो हो, उनसे क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, तो काफी ध्यान देने की जरूरत है इस टॉपिक पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोटर व्हीकल मुआवजा जो होता है उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री, इसमें आपसे पूछा क्या गया था। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग जो है उसके हेड कौन है। तो ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था आज के दिन आया हुआ कि नीति आयोग का जो हेड है वो कौन है और होता है। तो इसका आंसर जो है वो पीएम होगा। तो प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर, वही हमारे नीति आयोग के हेड है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग के नेता है। अगला एक क्वेश्चन जो है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड से आया था। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से है जो एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपको जो हमारा वन्य जीवन जो आप भारतीय बोर्ड है, वन्य जीवन जो भारतीय बोर्ड के अंदर आता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी आपको ध्यान दे देना है और इस टॉपिक से भी आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए जो आप कर सके अभी, क्योंकि ये लास्ट टाइम। और इस टाइम में आप कोशिश करिए कि किसी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दे, सब पे जो है बराबर ध्यान दे और स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे। तो आपको शुरू से कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना ही पढ़ना है उतना आप जो है ध्यान रखिए और बेस्ट वे में स्मार्ट स्टडी करिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू सीट्स। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि चार ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूँ। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जो एलिमेंट है आप कह सकते हैं, या फिर वस्तु है, धातु है, जो जिसको सीट्स में हम पीठ के सीट बना सकते हैं जिसका। तो जैसे आप देखते होंगे कि अल्मोनियम को हम बहुत ज़्यादा उस पर जो हैमरिंग करें, उसे बहुत ज़्यादा पीट दिया जाए तो फिर वो चौड़ी हो जाती है और एकदम पतले सीट की तरह हो जाती है। इसमें जो पूछा गया हिंदी में अगर देखें तो इनमें से कौन सा चाटों, सीट मतलब चाटों होता है, शुद्ध हिंदी आप यहाँ देख सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन का कमाल, चाटों में पीटा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, तो कोई भी अगर मेटल हो तो उसे जो है हम जो सीट्स में पीट सकते हैं और सीट्स में उसे हम चेंज कर सकते हैं हैमरिंग करने पे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेटल्स सारे जो होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन जो आए थे चार, उसमें तीन नॉन मेटल थे और एक जो है वो मेटल था, तो वही जो है एक आंसर होता। तो मेटल कोई भी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल है जैसे ही, तो उसे हम जो है वो उसमें मेटलर्जी होती है और उसके कारण जो है, माफ़ कीजिएगा, उसमें जो मेलिएबिलिटी होती है और उसके कारण जो है वो सीट्स में पीटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आया था, विच बुक इज नॉट रिटन बाय जननीपथ अवार्ड विनर। इसमें आपसे चार ऑप्शंस दिए गए थे और इसमें पूछा गया था कि जो जननीपथ अवार्ड विनर है उनके द्वारा इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। तो हम अब हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश के लिए तो हमने यहाँ देखा, तो आप देख सकते हैं जननीपथ पुरस्कार विजेता, कौन सी पुरस्कार विजेता ने कौन सी किताब नहीं लिखी है, ये आपसे पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए गए थे और आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पिछले साल का और उसे पिछले दो साल का एटलीस्ट जो है जननीपथ जो अवार्ड है उनके विनर्स का नाम देख लें और उसे ध्यान में रखें। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और मैं ये बताते रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आया था साइज ऑफ प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, वेनस, इनके जो ऑर्डर है वो आपको बताने थे कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर छोटा, उससे छोटा। तो इसमें अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्वेश्चन है ग्रहों का आकार, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, इनमें से कौन सा जो है सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा। तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं आपको तो इसमें जो है अर्थ सबसे बड़ा होगा, फिर मार्स, वेनस जो है वो होगा। तो अर्थ सबसे बड़ा है, फिर वेनस, मार्स,
जो है साइज के ऑर्डर में है, और जो है ये आपको यही आंसर करना था। तो अर्थ से छोटा एक है, आप ये अर्थ से ये दोनों बाकी छोटे, और एक और जो छोटा यहाँ नहीं है वो है मरकरी। मरकरी भी अर्थ से साइज में छोटा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अमीर खुसरो इज द डिसिपल ऑफ होम। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके डिसिपल थे, अगर हम हिंदी में देखें तो अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं। डिसिपल मतलब शिष्य होता है, तो इंग्लिश का एक आप कह सकते हैं नॉलेज आपको मिल गया। तो इसका आंसर जो होगा वो, जो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो अमीरुद्दीन, और जो टाइटल इनका जो राजा थे हमारे जिनके शिष्य थे, तो उनके नाम का टाइटल जो हम आपको बता देते हैं कि इसका नाम जो था निजामुद्दीन औलिया था। तो इसका स्पेलिंग मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे भी प्रोनाउंसिएशन करने में परेशानी हो, इसलिए मैं बता दूं कि निजामुद्दीन औलिया जो है तो NIZAMUDDIN AULIA, तो AULIYA, तो निजामुद्दीन औलिया जो है उनके शिष्य अमीर खुसरो रह चुके हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन जो आया था वो था चाइना डजंट शेयर बाउंड्री विथ, इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि चाइना जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि म्यांमार जो है वो काफी इधर है, तो म्यांमार के साथ नहीं करता होगा। तो आप लोग एक बार कंफर्म हो जाइए, जिन्हें आंसर आता है वो नीचे बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर म्यांमार ही होना चाहिए, और तीन ऑप्शंस और हैं लाओस, वियतनाम और कैम्बोडिया। आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, चीन की सीमा, चीन जो है अपनी सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करती है। तो इसका आंसर म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया है। तो म्यांमार जो है मेरे हिसाब से आंसर है। आप लोग एक बार देख लीजिए और यहाँ पे कमेंट कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सके। अगला एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम पेट्रोलियम पंचायत योजना 2017, 2017 से जो पेट्रोलियम, 2017 का जो पेट्रोलियम पंचायत योजना आई है, 2017 में उसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, पेट्रोलियम पंचायत योजना 2017 से एक सवाल था। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन जो था वो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 से था। तो वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि जब कुछ नए, जैसे जो गेम्स जो एनुअली होते हैं, जो अवार्ड्स एनुअली मिलते हैं, जो भी कुछ एनुअली होता है, तो उसे आप जैसे इस साल में तो अभी शुरू ही हुआ है साल, तो पिछले साल के आप सारे जो हैं वो चेक कर लीजिए और उसे क्वेश्चन जो है उनका आना फिक्स होता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी में भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन, 2017 बैडमिंटन चैंपियनशिप से एक सवाल था। अगले अगर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मियामी टेनिस महिला 2017 की विजेता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम इंग्लिश में देखें इस क्वेश्चन को, तो हु इज द मियामी टेनिस 2017 विनर। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विक्टोरिया एजरंका। तो इसका आंसर विक्टोरिया अजरंका होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए ये भी पिछले साल का जो है क्वेश्चन है, मियामी टेनिस वुमेन 2017 विनर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी जो स्पोर्ट्स हो या फिर अवार्ड्स जितने हो या फिर जो बाकी फील्ड्स हो, अगर उनमें कुछ एनुअली होता है तो उनसे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम यहाँ कि वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है हिंदी में हम देख लेते हैं, वर्दी गति से एक सवाल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे वर्दी गति से एक सवाल था। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब इक्वल टाइम में कोई जो ऑब्जेक्ट है, सिस्टम, कोई बॉडी है, वो इक्वल इंटरवल कवर करे, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। मतलब जो बराबर समय में अगर बराबर डिस्टेंस कवर करे, बराबर दूरी कवर करे, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये आपने देखा कि यहाँ क्वेश्चन हमने बताए आपको, और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हम यहाँ देख सकते हैं पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो पहला जो यहाँ है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कनाडा। तो इसके अगर हिंदी में हम देखें, इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि कनाडा जो है उसकी कैपिटल का क्या नाम है। इसका आंसर ओटावा होगा। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी जिन्हें टेक्स्ट चाहिए उनके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी दे दिया है। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका आंसर ओटावा होगा। अगला एक क्वेश्चन है, मौन घाटी कहाँ है। तो इसका आंसर मैं बता दूँ, केरल होगा। मौन घाटी जो है वो केरल में है। अगर हम इंग्लिश में देखें, वेयर इज द साइलेंट वैली, तो इसका आंसर केरला होगा। तो साउथ साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, तो आपको ये ध्यान रखना है। हु इज द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम के खोजी कौन थे, तो इसका आंसर कॉपरनिकस होगा। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, सौर मंडल के संस्थापक कौन है, या जो जिन्होंने खोज की है, फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर जो है
फाउंडर मैं कहूँगा डिस्कवरर, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फाउंडर हो गया, तो डिस्कवरर कौन है? इसका आंसर कॉपरनिकस होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर जो है वो ड्वाइट डी एसनहावर होगा। 10 दिसंबर 1959 में उन्होंने ये यात्रा की थी। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन, माफ कीजिएगा, हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, इसका आंसर ड्वाइट डी एसनहावर होगा। December 10, 1959 को उन्होंने विजिट किया था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो का आपको बताना चाहेंगे वो है, हु डिस्कवर्ड द एरोसेल, तो एरोसेल की खोज किसने की? चार ऑप्शन दिए थे, एरिक रोडियम, एरिक मैथ्यू, एरिक टीम, एरिक फ्लेयर। आंसर जो है इसका एरिक रोडियम है। तो हम हिंदी में भी देख लेते हैं, एरिक रोथिम, माफ कीजिएगा। तो एरोसेल की खोज किसने की, जो विकल्प यहाँ है वो है एरिक रोथिम, एरिक मैथ्यू, एरिक टीम, एरिक फ्लेयर। इसका आंसर एरिक रोथिम होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया ये लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत से हमने ये जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए, और हमेशा यही होता है, हमें क्वेश्चंस कलेक्ट करने में इस बार खासकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को वीडियो में, इसलिए होता है कि सारे क्वेश्चंस हम नहीं भी दे पाते हैं क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो जितना ध्यान रहता है हमें बताते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स से तो हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों से ही कॉन्टैक्ट करें। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप भी अपने शिफ्ट के क्वेश्चंस याद हों तो बता सकते हैं हमें, तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फेसबुक पेज का एड्रेस देख लीजिए, यहाँ पे कंपटीशन चुटकी में नीचे लिंक डाला हुआ होगा, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके सेंड मैसेज ग्रुप में अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वहाँ से पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर रोज मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे मेहनत के लिए आप हमें प्रोत्साहन दें और लाइक करें। नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया वो भी दे सकते हैं, और बाकी सेक्शंस के वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसे भी अपडेटेड रहें। धन्यवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी पूछे गए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, अपडेट के साथ, और कुछ नई जानकारियों के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।